तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिमेट्री के वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने वर्कशीट 3 को सॉल्व किया था, अगर वो वीडियोस को आप लोगों ने नहीं देखा है तो ऊपर में आई बटन में मिल जाएगा आप सभी को, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है तो आप लोग वहाँ से उसे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आप सभी के 248 पेज नंबर में इसके बारे में कुछ दिया हुआ है, लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग सबसे पहले ये समझो, ये जो रेगुलर पॉलीगन्स है, लाइंस ऑफ सिमेट्री का मतलब तो आप सभी को मालूम ही है। जैसे ये एक स्क्वायर है, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है, ओवरलैप कर गया और बीच में एक लाइन बन गई, वही लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब आप लोग जानते हो। रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब आप लोग ये देखो, पॉलीगन्स का मतलब होता है कि क्लोज्ड फिगर, पॉलीगन्स का मतलब होता है क्लोज्ड फिगर। ठीक है, और रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब होता है ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो रेगुलर पॉलीगन्स का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड फिगर एंड उसका ऑल साइड्स एंड उसका ऑल एंगल्स वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ यहाँ पे 4 फिगर्स आप सभी को दिए हुए हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है और यहाँ पे एक स्क्वायर है, ये भी एक क्लोज्ड फिगर है एंड यहाँ पे एक पेंटागन है एंड यहाँ एक हेक्सागन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो एक और चीज़ यहाँ पे नोट पे दी हुई है, ईच रेगुलर पॉलीगन हैज़ एज मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री एज द नंबर ऑफ इट्स साइड्स। यहाँ पे आप लोग देखो, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल क्लोज्ड फिगर, ऐसा रहना चाहिए। जैसे ट्राइंगल क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, तो जिसकी इतनी, मतलब देखो यहाँ पे एज अ नंबर ऑफ इट्स साइड्स, मतलब उसके जितने नंबर रहेंगे उतनी लाइन्स ऑफ उसकी सिमेट्री रहेगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे ट्राइंगल के कितने साइड्स है, 1 2 3, तो इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बनेगी, 3। ठीक है, देखो एक ये वाली एंड एक ये वाली, लाइन्स ऑफ सिमेट्री कितनी बनी, 3। साइड्स कितने थे, 3, जितने साइड्स उतनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अब स्क्वायर में भी आप लोग देखो, 1 2 3 4 साइड्स हैं। ठीक है, एक लाइन्स ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री आप लोग यहाँ से देखो, ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से जितने साइड्स रहेंगे उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगी। यहाँ पे आप लोग चाहो तो पेंटागन को भी देख सकते हो, 1 2 3 4 5, फाइव साइड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी। देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी तरह हेक्सागन में भी साइड्स जितने रहेंगे आपका लाइन ऑफ सिमेट्री भी उतनी रहेगी। तो हमने बाकी के क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा इजी होगी, मैंने इसलिए आप सभी को एक बार इसे रीड करा दिया था। तो आप लोग यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर हेप्टागन 7-साइडेड पॉलीगन हैव। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि जितने साइड्स रहेंगी उतनी लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेगी। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर हेप्टागन, हेप्टागन क्या है, जिसके 7 साइड पॉलीगन, तो जितने साइड रहेंगे उतनी ही लाइंस ऑफ सिमेट्री रहेगी। तो यहाँ पे हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ही फाइंड करने बोला गया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, हमारा सिमेट्री चैप्टर वर्कशीट 4 है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितने साइड है, 7-साइडेड पॉलीगन। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो कुछ वर्कशीट 4 की क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर है 7 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड
क्वेश्चन नंबर टू अब आप लोग देखो, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री विल ए रेगुलर ऑक्टेगन ईच साइडेड पॉलीगन एट साइडेड पॉलीगन हैव, ठीक है, तो इसके ऑक्टागन का कितना साइडेड है, एट साइडेड है, तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें कितनी मिलेगी, एट, ठीक है, तो इसकी हमें एट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, एट लाइन्स ऑफ सिमेट्री एट लाइन्स ऑफ सिमेट्री. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, ड्रॉ ए स्क्वायर एंड इट्स लाइन्स ऑफ सिमेट्री. हमें एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है और उसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री को भी ड्रॉ करना है, ठीक है. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमें एक स्क्वायर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे. देखो मैं 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ पे मैंने 6 सेंटीमीटर लेंथ सेगमेंट को ड्रॉ किया. यहाँ पे मैं इसको पॉइंट ए, पॉइंट बी, लाइन सेगमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है. और आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरह से आर्क को ड्रॉ कर देना, 90 डिग्री आर्क को ए पॉइंट पे पहले रखना, ठीक है, जिस तरह से मैंने कंपास को रखा है. और वहाँ से इस तरह से आर्क को ड्रॉ कर दो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ. उसके बाद ये वाली जो पॉइंट आ गई, ये जहाँ पे मैंने अपने कंपास को रखा है, ये वाली पॉइंट, अब इससे इस वाली आर्क को क्रॉस कर दो जिस तरह से मैंने किया, ठीक है. अब इससे इस वाली आर्क को क्रॉस कर दो, ठीक है. तो यहाँ पे तो कोई आर्क नहीं क्रॉस हुई, तो मैं इन दोनों आर्क को एक दूसरे से मिला दे रहा हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है. तो हमारा ये वाली जो आर्क है जहाँ ये दोनों आपस में मिली है, इस आर्क पे अपने कंपास को रख करके जिस तरह से मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ, एक आर्क को ड्रॉ कर रहा हूँ, उस तरह से आप लोग भी ड्रॉ करना. और फिर यहाँ पे इस वाले आर्क पे रख करके आप लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दो, ठीक है, ये हो गई. और अब आप लोगों को क्या करना है, जिस जहाँ पे ये पॉइंट मिली है, इस देखो यहाँ पे मिली है, और इस वाले पॉइंट को ए वाले पॉइंट के साथ आपस में मिला दो, ठीक, आपस में एक रे, बड़ा सा रे आप लोग बना दो, और रे आप लोग बना करके ऊपर में एक एरो दे दो, ठीक है. ठीक इसी तरह हमें राइट साइड में भी करनी है, ठीक है. तो आप लोगों को उतनी ही रखनी है, अपने कंपास को उतनी ही ना छोटा ना बड़ा करना है, ठीक है. पॉइंट ए पे हो गया, पॉइंट बी पे हम लोग आते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ. उसके बाद आप लोग यहाँ से इस वाले पॉइंट पे आकर के, सॉरी, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा आप लोग. उसके बाद जहाँ ये दोनों आर्क कट हुई, यहाँ से आप लोगों को फिर इस तरह से कुछ, ठीक है. अब इस वाले आर्क पे रख करके आप लोगों को यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक आर्क को ड्रॉ करनी है. यहाँ पे रख करके आप लोगों को कुछ इस तरह, कुछ इस तरह से जिस तरह से मैंने किया. अब ये दोनों आर्क जहाँ आपस में टच हो रही है, यहाँ पे अपने स्केल को लगाए और बी वाले पॉइंट से मिला दे, और एक लंबी सी रे को कर दीजिए आगे, एंड आगे में एक एरो लगा दीजिए जिस तरह से मैंने लगाया. अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अपने कंपास को जितनी लाइन सेगमेंट आपने रखा है, देखो एक कंपास की नीडल मैंने पॉइंट ए पे रखी, एंड पेंसिल को मैंने पॉइंट बी पे रखी. इस तरह से 6 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट लिया है अपने कंपास पे, और उसी तरह से ए पॉइंट पे रखो और कुछ इस तरह का बना लो. उसी तरह बी पॉइंट पे अपने कंपास को रख के जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से कर लो, ठीक. अब आप लोग यहाँ पे देखो, जहाँ ये वाली पॉइंट आर्क एक दूसरे से मिल रही है और ये वाली, ठीक है, तो हम लोगों को इन्हीं दोनों को आपस में मिला देना है. देखो एक ये,
एंड एक ये, ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोग इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है। एंड ये सॉरी, ये दोनों तो अब हमारा ड्रॉ स्क्वायर हो गया। अब इसकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हमें ड्रॉ करनी है। तो आप लोगों को पता है स्क्वायर की फोर साइड्स है, तो फोर लाइन्स ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने कंपास को लेंगे और इसका आधा से ज़्यादा, जैसे 6 सेंटीमीटर, तो अपने अंदाज से इससे इतना तक आप लोग ले लो, ठीक है, इतना तक ले लो। उसके बाद आप लोगों को पॉइंट ए पे रखना है, ठीक है, पॉइंट ए पे रखो, ऊपर से आर्क करो एंड उसी तरह से आप लोग एक नीचे से आर्क कर दो, ठीक है। उसी तरह से बी बी पे अपने पेंसिल के नीडल, ये कंपास के नीडल को रखो, ऊपर वाले आर्क को एक दूसरे से काटो, नीचे वाले आर्क को भी काट दो, ठीक है। इस वाले आर्क को मैं थोड़े से बड़ा कर दे रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मिला दो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से डॉटेड लाइन रखिए, ठीक है, ये हो गई। अब हम लोग साइड साइड से ऐसे भी आप लोग ले सकते हो डॉटेड लाइन से, ठीक है। एंड ये वाली साइड भी आप लोग ले लो, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस ये वाली लाइन सिमेट्री, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री, अब कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बच गई जो इस तरफ से जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंपास को इतने ही, मतलब 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर के थोड़े से ज़्यादा में रखना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर आप लोग नाम दे देना, ए बी, यहाँ पर सी, इस वाले पॉइंट का सी, इस वाले पॉइंट का डी। तो ए बी का हमने निकाल लिया, अब हम लोग निकालेंगे इस वाले का। तो यहाँ पे हम लोग बी पे रखते हैं अपने कंपास के नीडल को और कुछ इस तरह से एक आर्क यहाँ निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ यहाँ पे इस तरह से आप लोग राइट साइड में अपने स्क्वायर से बाहर पे, ठीक है, मैं डार्क कर दे रहा हूँ। और बी बी पे अपने कंपास को नीडल को रख करके दूसरी बार में सी पे अपने कंपास के नीडल को रखी हो एंड उसके बाद यहाँ से इस वाले आर्क को काट देना है आप लोगों को। देखो मैं 3 बार कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपस में बहुत सारे आर्क हैं, तो आप लोगों को समझने में इजी होगी, ठीक है। थोड़ी लंबी हो गई वाली आर्क, ठीक है। तो इस तरह से आर्क हुआ, अब हम लोग इस वाले लाइन को मिला देंगे, देखो इस वाले आर्क से, ठीक है, डॉटेड लाइन आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सारी, हमने स्क्वायर को ड्रॉ किया, उसके बाद उसके लाइन और सिमेट्री को भी ड्रॉ किया। अगर आप लोग इसे पूरी क्लियरिटी में देखना चाहते हो कि बिना आर्क के, तो आप लोग इस वाले इमेज को देख सकते हो, ये 2 नंबर, यही हमारे आंसर था इस वाले इमेज का। और मैंने यहाँ पे अपने कॉपी में भी एक बार इसे ड्रॉ किया था, देखो पेन से लेकिन ड्रॉ किया था, तो इसमें आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। मैंने पहले पेन से ड्रॉ किया था, लेकिन आप लोग पेन से ड्रॉ मत करना, मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए किया। और आर्क सबको मैंने पेंसिल से किया था और मैंने फिर उसे मिटा दिया, तो कुछ इस तरह का दिखने लग गया, ठीक है। तो फिर कुछ इस तरह का हुआ था। तो इस तरह से हमारा वर्कशीट 4 के 3 क्वेश्चन सॉल्व हुए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे वर्कशीट 5 को सॉल्व करेंगे। तो वर्कशीट 3 की वीडियोस का आप लोगों को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने वर्कशीट 3 की सभी क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में सॉल्व किया है।
तो मिलते हैं वर्कशीट 5 के साथ, और आज की इस वीडियो में हमने वर्कशीट 4 को सॉल्व किया। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं वर्कशीट 5 के साथ।